नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नहीं नहीं भाई साहब, अच्छे से घर पहुंच गए। नमस्ते बहन जी। जी जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे हैं, आप बैठिए तो सही। बैठिए बेटा। अच्छा बेटा, क्या करते हैं आप? जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हूँ। अरे वाह बहन जी, आपने अपने बेटे को बहुत काबिल बनाया है, बहुत ही अच्छा बच्चा है आपका। वो तो है भाई साहब, मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया है। भगवान का शुक्र है कि मेरी मेहनत का इसने भी मान रख लिया और आज एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है और अच्छा कमा भी रहा है। बस अब तो यही इच्छा है कि एक अच्छी संस्कारी लड़की से मेरे बेटे की शादी हो जाए ताकि हमारी घर गृहस्थी वो अच्छे से संभाल ले। फिर तो बहन जी आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आप मेरी बेटी को देखेंगी तो आप मना नहीं कर पाएंगी। अरे श्वेता की माँ, जाओ तो जरा श्वेता को बुला कर लाओ। जी जरूर। श्वेता बेटा आना जरा इधर। आजा बेटा। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। क्या पढ़ाई की है तुमने? MBA सेकंड ईयर मेरा चल रहा है आंटी जी। बहुत बढ़िया बेटा, अब तुम जा सकती हो। हम तुम्हारे मम्मी पापा से कुछ बात करना चाहते हैं। जी आंटी जी। बोलिए बहन जी। देखिए भाई साहब, मुझे तो आपकी बेटी एक नज़र में पसंद आ गई, फिर भी मैं अपने बेटे से पूछ लेती हूँ। बेटा तू बता, तुझे कैसी लगी लड़की? हाँ कर दूँ क्या रिश्ते के लिए? माँ जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या भाई साहब, मुँह मीठा कराइए। आखिर हमारे बच्चों का रिश्ता जो तय हो रहा है, हमारी तरफ से तो हाँ है हाँ। अरे वाह बहन जी, बधाई हो बधाई हो, हम संधि होने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए और बच्चों की शादी कर देते हैं। वैसे भी बच्चे शादी के बाद मेरे पास कौन सा रहने वाले हैं बहन जी? राहुल की नौकरी जयपुर में है तो बेटी भी आपकी जयपुर ही चली जाएगी। मुझे तो अकेले ही रहना है, पर खुशी है कि मेरा बच्चा खुश रहेगा। माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, अपने बच्चे खुश रहें, माँ बाप को और क्या चाहिए। अच्छा आप लोग अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे। हाँ जी बहन जी, क्यों नहीं, अब हम रिश्तेदार होने वाले हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कितना सुंदर लड़का है, कितना कमाने वाला लड़का है। अरे मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। हाँ काजल की माँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर एक बार काजल से भी तो पूछ लूँ वो क्या चाहती है। काजल बेटा इधर आना तो जरा। जी पापा बोलिए। बेटा तुझे लड़का कैसा लगा? शर्मा मत बेटा, तेरे मन में जो भी है वो साफ साफ बता दे। मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो तेरी जबरदस्ती शादी करूँगा कहीं भी। अरे आप भी ना। अरे बेटी कुछ नहीं बोली, मतलब उसकी तरफ से हाँ है, आप समझो तो सही। मैं अंदर जाती हूँ मम्मी, अब तो बेटी ने भी मंजूरी दे दी, बस अब शादी की तैयारियाँ शुरू कीजिए। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू बता सब ठीक तो है ना? वहाँ दामाद जी तुझे अच्छे से तो रख रहे हैं ना? हाँ माँ यहाँ सब ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुम्हारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ? माँ आप नानी बनने वाली हो क्या? सच में? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा, बहुत ही खुशी की बात है। जुग जुग जी मेरा बेटा। अच्छा बेटा तू अपना बहुत ध्यान रखना और हम लोग बहुत ही जल्द तुझसे मिलने आएंगे। हाँ माँ मैं अपना ध्यान रखूँगी। ठीक है बेटा रखती हूँ, तेरे पापा को सुनाती हूँ ये खुशखबरी। हाँ माँ जरूर। क्या हुआ तुम अभी तक सोई नहीं? कोई भी औरत कैसे सोएगी जब उसका पति रात के 1 बजे तक बाहर अय्याशी कर रहा हो। ये क्या बक रही हो तुम? क्या गलत कह रही हूँ? मैं देख रही हूँ जब से हमारा बेटा हुआ है तब से तुम कभी घर टाइम पर आते ही नहीं हो, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, और पूछो तो कोई ना कोई नया बहाना बना लेते हो। आखिर कब तक मैं चुप रहूँ? मुझे तो आज जवाब चाहिए कि आखिर आप रहते कहाँ हो इतनी देर रात तक। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? तुमको किसी चीज की कमी तो नहीं है ना घर में? खाओ पियो आराम से रहो घर में। मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मेरी मर्जी है और मेरी जिंदगी है। अच्छा तो इसीलिए शादी करी थी क्या? ऐसा तो नहीं चलने वाला, आज तो मैं ये जान कर ही रहूँगी कि आखिर तुमको परेशानी क्या है। मेरा मुंह मत खुलवाओ समझी,
जाओ और सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। नहीं नहीं, आज तुम अपनी भड़ास निकाल ही लो और जो भी सच है वो भी बता दो। मेरे में इतनी तो हिम्मत है कि मैं तुम्हारा सच बर्दाश्त कर सकूं। तो सुनो, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? क्या, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? शादी तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी तुमसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी माँ की बात को नहीं टाला और इसीलिए मैं शादी की बात भी नहीं टाल सका। लेकिन तुम मुझे न उस दिन पसंद थी और न आज पसंद हो, और अब तो मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तुम एक काम करो, अपने बच्चे को उठाओ और अपने बाप के घर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा बेटा है, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में बड़ा होकर? और वो चुड़ैल ऐसा क्या जादू टोना करके रखी है तुम पर जो तुम उसका पल्लू ही नहीं छोड़ना चाहते? अरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो उस चुड़ैल को तुम्हें छोड़ देना चाहिए ना। खबरदार, अगर तुमने उसके बारे में एक शब्द भी अपनी गंदी जुबान से निकाला तो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी किसी और के लिए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मुझसे अलग रहना है ना, लेकिन मैं कभी तुमको तलाक नहीं दूंगी, समझे? तुम्हारी यही सजा है कि न चाहते हुए भी तुमको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर तुमने उस लड़की से आज के बाद मिलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सीधे पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। हेलो हेलो ससुर जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल बेटा, बोलो कैसे हो? ससुर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी को हमारे घर से ले जाइए, मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना। आपको उसके बदले में जितने पैसे चाहिए आप मुझसे ले लीजिए और अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दीजिए, लेकिन मेरा पीछा छोड़िए। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? मैं जितना बोलता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए, वरना मैं किसी दिन मार डालूंगा उसे। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुम गुस्से में हो, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। अरे लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना करते हैं। अब इसका बाप तो मानने वाला नहीं है, अब मुझे ही इस औरत को कहीं ना कहीं ठिकाने जरूर लगाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नए सिरे से शुरुआत कर पाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दामाद जी को पता नहीं क्या हो गया है, बोलते हैं बेटी को घर ले जाओ। अरे शादीशुदा बेटी को घर ला के रखूंगा तो समाज क्या कहेगा, हमारी कितनी बदनामी होगी और हमारी बेटी अपने बच्चे के साथ कैसे जी पाएगी? समाज वाले उसे ताना दे देकर जीने नहीं देंगे। बात तो सही कह रहे हैं जी, लेकिन क्या करूं, बच्ची का दुख भी तो नहीं देखा जाता, भगवान करे उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया हो। अरे झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, उस दिन के बाद से फोन भी नहीं आया किसी का, मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे। काश ऐसा ही हो। कोई है घर में? इंस्पेक्टर साहब आप, क्या ये श्वेता का ही घर है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम उसके माता पिता हैं। क्या हुआ, ठीक तो है ना मेरी बेटी? देखिए उसका मर्डर हो चुका है। क्या? मेरी बच्ची को मार डाला, दरिंदे ने मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी बच्ची, काश मैं उस दिन अपनी बच्ची को ले आता तो ये नहीं होता। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, किसने मार डाला आपकी बच्ची को? और आप ये क्या बोल रहे हैं कि उस दिन आप अपनी बेटी को ले आते तो ये सब नहीं होता? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद ने ही मारा है मेरी बेटी को। क्या, ये आप कैसे कह सकते हैं, आपके दामाद तो बहुत रो रहे थे। सब नाटक है इंस्पेक्टर साहब, सब नाटक है। आज से 10 दिन पहले फोन करके उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर नहीं गए तो मैं किसी दिन मार डालूंगा उसे। पर मैंने यही सोचा, अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा है इसलिए गुस्से में दामाद ऐसा बोल रहा है। मुझे क्या पता था इंस्पेक्टर साहब कि वो सच में ही मेरी बच्ची को मार देगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज हमारे समाज में सिर्फ समाज के डर से कितनी ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम अपनी बच्चियों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं सिर्फ इसी डर से कि समाज क्या कहेगा। मेरे ख्याल से समाज का डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि
कि हम अपनी बच्ची को दुख में ही छोड़ दें, उसका साथ भी नहीं दे पाए। अगर उस दिन श्वेता के पिता श्वेता को अपने पास घर ले आते तो आज शायद श्वेता उनके साथ जिंदा होती। खैर, आप लोगों की इस केस के बारे में या इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।